आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे पहले की दो वीडियो में हमने देखा है हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसके प्रकार में एल्केन को देखा था। तो यदि आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उन दोनों वीडियो की लिंक भी दे देंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनकी संयोजकता कंप्लीट नहीं होती है, संयोजकता अनकंप्लीट होती है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन में जिन हाइड्रोकार्बन डबल बंध व ट्रिपल बंध पाए जाते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या ट्रिपल बंध पाए जाते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखेंगे तो ये तीन प्रकार का होता है, एल्कीन, एल्काइन और तीसरा जो प्रकार है वो पोलीइन या पोलीआइन होगा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब हम समझेंगे एल्कीन्स को। एल्कीन्स क्या है? तो एल्कीन्स वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाए जाते हैं एल्कीन्स कहलाते हैं। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र देखेंगे तो ये होगा CnH2n। यहाँ n बराबर है नंबर की। और दूसरा प्रकार इसी का है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन, अर्थात इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होंगे। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह है CnH2n-2। और यदि ऐसी स्थिति बने कि जब एक ही श्रृंखला में दो या दो से अधिक डबल बंध है या दो से अधिक ट्रिपल बंध है तो उस स्थिति में तीसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है जिसे हम कहते हैं पोलीइन या पोलीआइन। जैसे डबल बंध है तो उसे कहेंगे पोलीइन और ट्रिपल बंध है तो उसे कहेंगे पोली आइन। जैसे एक स्ट्रक्चर देखें आप हम तो CH बॉन्ड C ट्रिपल बंध C CH3 बंध C ट्रिपल बंध C बंध C ट्रिपल बंध CH। इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नामांकन हम जहां से ट्रिपल बंद या डबल बंद पास होता है वहां से देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाई। और पांच कार्बन है इसलिए पेंट आइन। इसके बाद हम देखेंगे पोली इन का उदाहरण। पोली आइन का जो नीचे लिखा हुआ था वो था, अब पोली इन का देखेंगे तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम हम यहीं से देंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो यह आएगा 1,3-डाई पेंट ए।
तो जब दो या दो से अधिक डबल बंद या ट्रिपल बंद होते हैं तो उनका नाम हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे दो डबल बंद है तो डाई लगा देंगे, तीन है तो ट्राई लगा देंगे, चार है तो टेटर लगा देंगे, इस तरीके से इनका नाम दिया जा सकता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ तीन सवाल, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला सवाल है, आपको एल्केन का सामान्य सूत्र बताना है, उसके बाद एल्कीन का, फिर एल्काइन का, और आपको अपनी बुक में से ढूंढ के एल्कीन का जो संकरण पाया जाता है वो बताना है, और एल्काइन का संकरण भी बताना है। तो इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको आगे की केमिस्ट्री के वीडियोस चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें।